खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां चाइल्ड लेबर के खात्मा और बच्चों को तालीम की जानिब रागब करने के लिए अल्फा फाउंडेशन और USAID के ज़ेर एहतमाम मकामी हाल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सजाद अंसारी से, जो इस वक्त सेमिनार में मौजूद हैं। फाउंडेशन और USAID के तावन से एक सेमिनार का इनकार किया गया एक मुकामी हाल में, जिसमें चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए बच्चों को तलीम की तरफ रागब करना है। हमारे साथ इस वक्त टीचर भी मौजूद है, उनसे बात करनी है कि उनका इस एजुकेशन के हवाले से और बच्चों की तलीम के हवाले से क्या कहना है। जी आप बताएंगे कि अल्फा फाउंडेशन और USAID किस तरह काम कर रही है? अल्फा फाउंडेशन और USAID ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है। अल्फा फाउंडेशन ने उन खवातीन को तालीम दी जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो स्कूल जा सकें। तो और इसके जो बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं या जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहें? वो बच्चियां जो कि मतलब किसी न किसी लेबर से वाबस्ता थीं, जो कि मतलब एम्ब्रॉयडरी इस तरह से शू मेकिंग लेदर वर्क से मुंसलिक थीं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो स्कूल जाएंगी, वो अल्फा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने मतलब अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल की है। जी जी, जैसे इनका यही कहना है कि वो बच्चियाँ जो घरेलू कामों और दूसरे कामों में मसरूफ थे उनको तलीम की तरफ लेके, हमारे साथ इस वक्त जो कसूर अल्फा फाउंडेशन के सी हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी आप बताएँगे इस हवाले कि अल्फा फाउंडेशन किस तरीके से काम? ये 1200 बच्चे हैं और इस पूरे प्रोग्राम अगर हम देखें तो अभी तक हम पिछले 5 साल के अंदर 2500 बच्चों को जो है वो इनरोल कर चुके हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल के अंदर जो पेफ के स्कूल हैं उनको हमने इसके लिए प्रायोरिटी दी थी ताकि ये बच्चे वहाँ पर फ्री एजुकेशन हासिल कर सकें। जी जैसे इनका ये कहना है कि अभी तक 2500 बच्चों को जो तलीम हासिल करवा के जो सरकारी सेक्टर है सरकारी स्कूल है उनमें दाखिल करवा दिया गया है, और उनका यही मिशन है कि जो चाइल्ड लेबर है उसका खात्मा किया जाए। जी अल्फा फाउंडेशन बहुत शुक्रिया, इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे।